हेलो बच्चों, चौहानिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम होम बेस्ड प्रोजेक्ट कक्षा 8वीं विषय संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ेंगे। तो आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। आइए हम देखते हैं अगले क्रम में कक्षा 8 विषय संस्कृत विद्यार्थियों के लिए निर्देश। तो निम्नांकित जानकारी अनिवार्यतः भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, आपका नाम लिखना है, यहाँ पिता का नाम लिखना है और यहाँ शाला का नाम लिखना है जहाँ पर आप अध्ययन कर रहे हों। और ये वर्कशीट जो है वो वर्कशीट प्रोजेक्ट जो है वो 40 अंक की है, जिसमें से आपको पास के अंक लेना है। आप जितना अच्छा ले सकोगे अच्छी बात है। तो यहाँ पर शिक्षक द्वारा वर्कशीट को जांच कर प्राप्तांक साइड में दिए गए बॉक्स में यहाँ पर भरे जाएंगे और फिर मूल्यांकन करता शिक्षक के यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस प्रकार आप इसके महत्वपूर्ण निर्देश को पहले देख लें। तो कौशल आधारित लिखित प्रश्न वर्कशीट में दिए गए प्रश्न के उत्तर वर्कशीट में प्रश्नों के नीचे आगे दिए गए स्थान में निर्देश अनुसार लिखे जाएं। दूसरा, प्रोजेक्ट वर्क वर्कशीट में दिए प्रोजेक्ट वर्क को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन आवलिक सामग्री एवं दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के अवलोकन विश्लेषण व निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए स्थान में लिखा जाए। तीसरा है महत्वपूर्ण निर्देश, वर्कशीट की पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपनी पाठ्य पुस्तकों, माता पिता, मित्रों, भाई बहन, दादा दादी आदि जितने भी आपके संबंधजन हैं उनसे भी आप इसमें चर्चा कर और अच्छा आकर्षक वर्कशीट को बना सकते हैं। अगला देखिए, आप प्रोजेक्ट कार्य का चयन उसमें निहित उद्देश्यों एवं कार्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हम जब प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो हम जो उद्देश्य हमारे पास होते हैं उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, इस प्रकार से हमको प्रोजेक्ट बनाना है। अब इसमें देखिए आप ए बी सी, तो किस किस पॉइंटों को हमें प्रोजेक्ट में रखना है वो भी आप देख लें। तो देखिए आप व्यवहारिक कार्य जिसमें मॉडल रचना जैसे सामग्री के वास्तविक निर्भर पर बल शामिल है। अब बोध देखिए बी में, इसमें पठन और कहानियों के श्रवण जैसे प्रत्यक्ष और प्रतिनिधिक अनुभव शामिल होते हैं। सी देखिए समस्या हल संबंधी, इसमें बौद्धिक प्रक्रम द्वारा समस्या का हल निकाला जाता है। डी देखिए कौशल और ज्ञान की प्रवीणता, इसमें पाठ्य पुस्तकों और परियोजना पुस्तिका में दिए गए निर्देश का निर्दिष्ट कौशल में कौशल प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए आप पांचवा, प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों में दिन प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, ज्ञान का अनुप्रयोग करना, पूर्व में प्राप्त किए गए विषयक ज्ञान और कौशल को आगे बढ़ाना होता है। अगला है देखिए आप बहुत ही अति महत्वपूर्ण निर्देश छठवा, वर्कशीट को प्रत्येक बच्चे द्वारा पूर्ण कर शाला में कक्षा शिक्षक के पास जमा करना अनिवार्य है। अब देखिए हम विषय संस्कृत कक्षा 8वीं प्रयोजनाकार, इसके अंतर्गत हम पहला प्रश्न देखेंगे। तो पाठ्य पुस्तकात् के अपि चतुर महापुरुषाणाम नमामि चित्वा तेषां परिचयम योगदानम च संस्कृते लिखत। हमें क्या करना है देखिए आप, पाठ्य पुस्तक से कोई चार महापुरुषों के नाम लिख करके उनका परिचय योगदान संस्कृत में लिखना है। तो आप किस प्रकार से बना लेंगे देखिए आप, यहाँ बना लेंगे महापुरुषाणाम नमानी, यहाँ परिचय योगदानम च। तो इस प्रकार से हम पांच पुरुषों के नाम लिख लेंगे उत्तर में। तो पहला है स्वामी विवेकानंद, नंदा है, तो तस्य जना जनवरी मासस्य द्वंदशे दिनांके 1863 किताब शब्दे कोलकाता नगरे
योगदान कि मैं देखिए आप योगदान है तेन हिंदू धर्म है संस्कृत चित प्रसारित। सेकंड में देखेंगे आज़ाद चंद्रशेखर के विषय में, आज़ाद चंद्रशेखर परिचय। चंद्रशेखर से जन्म 1906 किस्ता शब्दे अभवत। योगदान देखिए आप स्वतंत्रता आंदोलन कारिणाम दमन काले। फिर देखिए तीसरा देवी अहिल्या परिचय देखिए आप। परिचय महाराष्ट्र चोंडी ग्राम है, पंचविंशत्य द्वित सप्तादश है, खिस्ता शब्द 1725 मई मासस्य एक है त्रसे 31 दिनांके जन्म अलभत। योगदान इसरामी तस्याह धर्मनिष्ठायाम। अब कालिदास के विषय में देखेंगे हम तो कालिदासस्य परिचय उज्जैनी तस्य जन्मस्थली अस्ति। योगदान महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य तृतीय सर्वश्रेष्ठ कवि अस्ति। तेन विरचितानि मालविका अग्नि मित्रम चेति नाट्य कांति संति। प्रश्न दो देखिए आप। एक के बलम कथा है अधोलिखित पात्राणाम कथनम लिखत। एक के बल है कथा आधारित, नीचे लिखे पात्रों के कथनों को लिखिए। अब क्या है यहाँ पर कष्ट वेदा कहा, चटका है, मक्षी कहा और मांडू कहा। ये एक बल पाठ के पात्र हैं, इनके विषय में लिखना है। तो उत्तर देखिए आप पहला कष्ट वेद कहा तो सह उक्तवान रोदनेन अलम। सेकंड देखिए चटका तो एवह मत गजह हनुमंत्यु। तीसरा देखिए मक्षी कहा यत मित्रम एवं मित्रस्य कार्य साध्यति। अगला देखिए मांडुकः पुकीभूतः दुर्बलः अपि संबलम शत्रुम हन्तुम शक्तुनो बन्ति। प्रश्न तीसरा देखिए आकाशवाणी द्वारा है गणतंत्र दिवस है प्रसारणम श्रुत्वा दूरदर्शनम द्वारा दृष्ट्वा वा पंचवाक्यानि लिखत। तो आपको अब क्या करना है देखिए आप रेडियो पर गणतंत्र दिवस का प्रसारण सुनकर दूरदर्शन द्वारा देखकर पांच पांच वाक्य लिखना है। आप देखिए यहाँ पर गणतंत्र दिवस से दूरदर्शन से माया दृष्टाम यता है आ सत्ता है सह छात्र है गणवेश आसान व ते सर्वेश्वरी पंक्तिबद्ध हसान सा बाधक सैनिका नाम परिधानानी चित्राणी। फिर अगला है आसान द है शास्त्र धारिणी नाम सैनिका नाम पथ संचालनम लय बुद्धम आसीत। यह है राष्ट्रपतिना सेना नायका नाम अभिनंदनम स्वीकृतम। फिर देखिए आप यहाँ प्रश्न नंबर चार चित्र दृष्ट्वा पंचवाक्य मातृभूमि वर्णनम कुरत। चित्र देख करके पांच वाक्य में मातृभूमि का वर्णन कीजिए। यहाँ पर देखिए मातृभूमि का चित्र बना हुआ है तो मातृभूमि वर्तते मातृभूमि वर्तते सुपला वर्तते। तो यहाँ पर आपको यहाँ मातृभूमि के इसमें पांच वाक्य में लिखना है। तो उत्तर देखिए आप मातृभूमि सुपला वर्तते, दूसरा है मातृभूमि सुजला वर्तते, तीसरा है मातृभूमि सस्य श्यामला वर्तते, मातृभूमि मलय मलयज शीतलता वर्तते, अगला है मातृभूमि उर्वरा वर्तते। अगला प्रश्न पाँच है एवमेव कमापि एकाम कथाम लिखत, ऐसी ही कोई अन्य कहानी लिखिए। कहानी क्या है देखिए आप एकता बलम, एकता बलम एक अस्मिन बने वहवा कपोतः निवसन्ति स्मतः एकदा तस्मिन बने एको व्याघ्रः अगच्छत् तेन स्वपाशं प्रसार्यत्ते तस्मिन्
उपरि तण्डुलकाणां प्रसारितानि सर्वे कपोतः तण्डुलानां भक्ष्यत्वम् अवच्छन्नान् एको वृद्धः कोपो अभवत् ईशान। तण्डुलकन्नान् भक्षित्वा वयं सर्वे महति संकटे पतिष्यामः किन्तु कोऽपि कपोतः तस्य परामर्शः न अमामत् सर्वे च तस्मिन् पासे। अगला है देखिए आप, तण्डुलान् भक्षयन्तु अवन्तरं सर्वे च पासे निवृद्ध्या अधुना सर्वे पश्यतापं कुर्वन्तः तां बुद्धक पोतं पृष्टवन्तः यत् संप्रभातः संकटे काले किं कर्तव्यः। बुद्धकपोत उवाच सर्वे मिलित्वा पाशेन सह उड़यन्त्यम् अयतः किंच दूरे शक्तिबले स्वामी नमकः मैं मातृणाम् एको मूषकः निवासति सो अस्मन् अस्मात् पाशात् मोचयिष्यति। वृद्ध मतानुसारेण सर्वे कपोतः परोन उण्ड्यतः प्राणानां प्रारम्भन्तः व्याधः धवित्व पश्चात्तायं कुर्वन् गृह गतः ते कपोतः उड्यन्तः। सत्बिल स्वामी मूषकस्य बिलस्य पश्वरे अवतारण मूषकः स्वतिक्षण दन्ते पाशां कर्तृवत्वा सर्वान् कपोतान् अमोचयत् एकेन अतिकठिनापि साध्यम्। अर्थ देखिए आप, एक वन में बहुत से कबूतर रहते थे। एक बार उस वन में एक बहेलिया आया, उसने अपना जाल फैलाकर उसके ऊपर चावल के कण फैला दिए। सभी कबूतर चावल खाना चाहते थे। एक बुद्धे कबूतर ने कहा, इन चावलों को खाकर हम सभी संकट में पड़ जाएंगे। परंतु किसी भी कबूतर ने उसकी सलाह नहीं मानी और सभी उस जाल पर फंस गए। जाल पर जाने के लिए उतरे और सभी जाल में फंस गए। अब सभी के पश्चाताप करते हुए उस बूढ़े कबूतर से पूछा गया कि अब इस समय संकट काल में क्या करना चाहिए। तो बूढ़े कबूतर ने कहा, सभी मिलकर जाल के साथ उड़ो। यहाँ से कुछ दूरी पर शक्तिबल स्वामी नामक मेरा मित्र एक चूहा रहता है, वह हमें इस जाल से छुड़ा देगा। तो बूढ़े ने मतानुसार सभी कबूतरों ने जाल के साथ आकाश में उड़ना प्रारंभ कर दिया। बहेलिया कुछ दूर दौड़कर पश्चाताप करता हुआ घर चला गया। वे कबूतर उड़ते हुए शांति बली स्वामी चूहे के बिल के पास उतरे। चूहे ने अपने पहने दांतों से जाल को काट कर सभी कबूतरों को मुक्त कर दिया। एकता से अति कठिन कार्य भी सरल हो जाता। तो इस पाठ में हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकत्रित रहना चाहिए, एकता में हमें बड़े से बड़े कठिन कार्य भी सफल हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6, लोकहितम मम करणीयम इति पाठ अधारणे उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानीनि पूरयत्। लोकहितम मम करणीयम इत पाठम के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए आप, लोकहितम मग करणीयम मनसा सतम कार्य क्षेत्रे रमणीयम संचर नियम। तो देखिए आप, लोकहितम मम करणीयम मनसा सतम स्मरणीयम न भगवने रमणीयम कार्यक्षेत्र त्वरणीयम तत्र मया संचारणीयम। प्रश्न 7 देखिए आप, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरणानि संस्कृत भाषायाम लिखत।
नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अहम ओरछा अहम निवाड़ी मंडले स्थित प्राचीनम नगरम अस्मि, पूर्व स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीन आसीत, मम स्थापना है 1600 शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन तृप्ता मम परितः शगनम वनम अस्ति, अस्मिन् वने शगुन वृक्षा अधिकः भवन्ति, शगुन काष्ठम बहुमूल्य भवति। अब इसको पढ़ने के बाद में हम इन प्रश्नों के उत्तर को देंगे। तो प्रश्न क्रमांक एक देखिए, ओरछा नगरम कस्मिन् मंडले अस्ति, ओरछा नगरम निवाड़ी मंडले अस्ति, इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। सेकंड है, ओरछाम परितः किम अस्ति, तो उत्तर आ जाएगा ओरछा परितः शगनम वनम अस्ति। तीसरा है, ओरछा नगर से स्थापना केन कृता है, उत्तर हम लिखेंगे ओरछा नगर से 1600 शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता है। अगला है, अस्ति अस्मिन पदे का धातु, उत्तरम अस धातु। प्रश्न आठ देखिए, श्लोकम पठित्वा प्रश्ननाम उत्तराणि संस्कृत भाषाए लिखत, श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। श्लोक क्या है देखिए आप, उद्योग नास्ति दरिद्रायाम जपतो नास्ति पातकम मोने च कलियो नास्ति नास्ति जागरिते भयम्। अब यहाँ देखिए इनके प्रश्न को उत्तर देना है, उद्योग किम नास्ति, तो उत्तर आ जाएगा उद्योग नास्ति दरिद्रम। फिर वह है जपता है किम नास्ति, तो उत्तर आ जाएगा जपता है नास्ति पातकम। स हो जाएगा कुत्र कलयो नास्ति, तो उत्तर हो जाएगा मौन च कलयो नास्ति। अगला है भयम कुत्र नास्ति, तो उत्तर हो जाएगा भयम जागृतो भयम। अगला प्रश्न है नौवा है, पाठ्यपुस्तकात एकम श्लोक लिखत, पाठ्यपुस्तक से कोई भी एक श्लोक को लिखिए। तो यहाँ देखिए आप एक श्लोक, गहना अरण्य घनानंदकारे बंधुजना ये स्थिता गृहतरे तत्र माया संचारणीयम लोकहितम मम करणीयम। इस प्रकार ये श्लोक बन गया। प्रश्न 10 में देखिए, निर्देश अनुसार उत्तर लिखत, निर्देशों के अनुसार उत्तर लिखिए। निर्देश क्या है, उदाहरण अनुसार संधि संधि विच्छेद है व कुरुत, उदाहरण के अनुसार संधि या संधि विच्छेद कीजिए। उदाहरण दिया हुआ है, विद्यालय बराबर विद्याधन आलय, तो इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। अब फिर हिमालय बराबर यहाँ भी पुस्तकालय, महाधनोत्सव सज्जना है, इन सबका हमको लिखना है। तो देखिए पहला बच्चों, हिमालय है बराबर हिमधन आलय हो जाएगा, क्या हो जाएगा हिमालय। दूसरा देखिए, पुस्तकालय बराबर पुस्तक धन आलय हो जाएगा, तो पुस्तकालय हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा देखिए, महोत्सव बराबर महाधन उत्सव। अगला है सज्जना धन, सज्जना बराबर सत्य धन जना है सज्जना। अगला है प्रश्न दूसरा, अधोलिखित संख्या उदाहरण अनुसारम संस्कृत भाषायम लिखत, कौन सी संख्या को लिखना है, उदाहरण दिया हुआ है 21, तो 21 विशत्ति 30, 45, 26 और 48, इनको हमको संस्कृत में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए आप, तो पहला है 30 त्रिशाह, 45 पंच त्वरिशत, अगला है 26 षट विशाह, 48 अष्ट चत्वारिशत, इस प्रकार से हम इनको लिख देंगे। प्रश्न 11 देखिए आप, अधोलिखित विषयोतु एकम विषयम चित्वा चत्वारी वाक्यनि संस्कृते लिखत, नीचे लिखे विषयों में से एक विषय पर चार वाक्य संस्कृत में लिखिए। पहला है धेनु विद्यालय महापुरुष आजादी चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर पुस्तकम, तो इन सब में से हमें एक विषय में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। तो हमको सबसे पहला हम धेनु के विषय में लिखेंगे, तो नंबर एक, धेनु अस्माकम माता अस्ति,
दूसरा धेनु चत्वारः पादः सृंगे एकं लंगगूलं च भवति। अगला है धेनु नाम विविधा वर्णा भवन्ति, धेनु तृणानि भक्षति। अगला है पांचवा, धेनु जनेभ्यः मधुरं पयः पृच्छन्ति। छठवा है गोमूत्रेण विविधानां दोषाणां रोगाणां च नाशः भवति। अगला है सातवा, धेनु दुग्धेन दधि तत्क्रम नवीनतम घृतम च निर्मितम भवति। अगला है भारतीय संस्कृते धेनुनाम महत्वम अधिकतम। नौवा देखिए, धेनु दुग्धम मधुरम पथ्यम हितकारी च भवति। अगला है दसवा, वयम धेनुनाम मातृरूपेण पूज्याम। तो इस प्रकार हमारा संस्कृत के विषय में परियोजना क्या कहते हैं अपना प्रोजेक्ट पूरा हुआ, होम बेस्ड प्रोजेक्ट। धन्यवाद।